अगर इसने मेरे से फाइट ली तो आ जाओ, मैं तो कहता हूँ ले ले फाइट, पता चल जाएगा कि कैसे मार सकते हैं। ओके यहाँ पे ऊपर छुपाएगी। ओके लैग हो गया, शाबाश। अरे आ जाओ आ जाओ गैस, देखो एचपी का। अब देखना है कि पटाख भाई कितनी जल्दी मेल्ट हुए। भाई 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 उसको यूनाइट चलानी पड़ गई, इतनी जल्दी मेल्ट। अरे इधर आ गए गाइस, जैसे कि देख सकते हो सिर्फ 30 मैचेस में सोलो 73.3% विन रेट सोलो में। आप देख सकते हो बैक टू बैक 8-9 मैचेस जीता हूँ मैं, और मास्टर रैंक पहुँच चुका हूँ। डैम बॉय, सिर्फ 30 मैचेस में सोलो में 73.3 ओपी बोलते हैं आप लोगों के लिए। जितने भी सोलो बिल्ड्स बना रहा हूँ गैस, वही मैं ट्राई कर, देख सकते हो कि 1200 में पहुंच चुका हूँ। और अब देखते हैं आगे आज कौन सा बिल्ड ट्राई करने वाले हैं। सो हे पोकेमॉन्स, कैसे आप लोग, स्वागत है एक और धमाकेदार एपिसोड ऑफ पोकेमॉन यूनाइट। गाइस माफी चाहता हूं थोड़ा लेट आ रहा है, बट कोई नहीं, मैं न्यू चीज़ें ट्राई कर रहा था और आप लोगों की डिमांड थी कि ड्रेन कराउन और रैपिड फायर स्कार्फ के साथ और भी कुछ करके दिखाओ। मैं सही बता रहा हूँ, फ्लेल लिटरली डेस्ट्रॉयज, लाइक तबाही मचा देते। आप देख सकते हो कि मेरी टीम में एक गोल्ड एम्बलम वाला एप्सोल है, एक सीजोर है ग्रीन और एक सिंटर, और सामने दो ब्लू हैं और दो ग्रीन है। भाई इनके अगेंस्ट में प्लस टायरानिटार, गैस टायरानिटार से लड़ना वन वर्सेस वन में, वो भी फ्लेल जा रहा हूँ मैं। डैम मेरे को वैसे डिफेंडर खेलना चाहिए बट मैं फ्लेल जा रहा हूँ। चलो देखते हैं कि कैसा होने वाला है, क्या एकदम ये काम करेगा नहीं करेगा, देखते हैं ट्राई करते हैं। बट सच बताऊँ सीरियसली बहुत बसड़ होने वाली, बहुत बसड़ होने वाली है। और बाय द वे जो क्या कहते हैं ये हमारे पास, देखो जब भी अगर तुम फ्लेल खेल रहे हो ना, पहली बात तो फ्लेल मत खेलो, बट अगर ये आइटम्स है तो आप सोलो खेल रहे हो तो खेल सकते हैं मस्ती के लिए, जस्ट फॉर मस्ती के लिए, बट दूसरों की गेम खराब मत करना। मैं अब कहता हूँ कि डिफेंडर से डिफेंडर ही खेलो तो ज़्यादा अच्छा है। पर आप लोगों के लिए जिनको फ्लेल खेलना है तो उनके लिए मैं खेल के दिखा रहा हूँ, और मैं साथ ही साथ ये भी आपको दिखाता जाऊँगा कि एटलीस्ट मैं अपने साथी को बचा भी रहा हूँ, ये नहीं कि उसको मैं खाली छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पे ले लिया, अब देखो वो गोल डाल रहा है, बट यहाँ पे मैं यहाँ से एक मिनट ये मिल गया। तो गैस डिफेंडर के साथ आप तो पहली बात तो स्टार्टिंग में टैगल से बहुत आसानी से मिलता है, बहुत आसानी से। ओके ओह इसने शायद वो छोड़ा था सब्सटीट्यूट, तभी उसकी वजह से उसको लगी नहीं, क्योंकि सब्सटीट्यूट पे डैमेज हो गया। अब यहाँ आप पता है इससे स्टार्टिंग में बहुत एग्रेसिव खेल सकते हो क्योंकि टैकल बहुत अच्छा खासा डैमेज देता है। ये देखो ना, ये देखो मिल गया। उनके मैंने नीचे सेंटर वाले लिया, ऊपर वाले भी ले लिया, प्लस उनकी तरफ वाला भी ले लिया। तो देख सकते हो कि रैपिड फायर स्कार और ड्रेन क्राउन, ड्रेन क्राउन भाई बहुत अच्छा हील करता है। बाय द वे वो किस चीज़ पे हील करता है, वो बेसिक अटैक पे हील करता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डैमेज होगा उतना हील करेगा, बेसिक अटैक का ध्यान रखना, ठीक है। बेसिक अटैक वो भी फिजिकल अटैक, ड्रेन ग्राउंड फिजिकल अटैकर्स पे काम करता है, ठीक है, स्पेशल अटैकर्स पे काम नहीं करता, वो भी बेसिक अटैक्स पे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को दो मिल चुके हैं, और मैं आगे जाके क्यों खड़ा होता, आगे जाके इसलिए खड़ा होता कि अपने उनको पीछे भगा सकूँ, बट उनका जंगलर आ गया था, बट एटलीस्ट मेरे पे 16 थे तो मैं उनके दो मिनियन ले पाया। बाकी आई हो हमारा सिंड्रेस ले पाएगा, प्लीज़ सिंड्रेस पीछे हट जाइए क्योंकि सिंड्रेस को दिक्कत होने वाली है। अभी तो जब मैं फ्लेल लूँगा तब और दिक्कत हो सकती है, पर ट्राई करेंगे। बहुत फाड़ था भाई, जस्ट मैं बस सही बताऊँ फ्लेल के साथ तो मज़ा ही आ गया। और हाँ जो आप मैं लाइक आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना कि भाई कितने मैचेस में मैं पहुंच गया, लाइक 73 समथिंग विन रेट पे 30 मैचेस में मास्टर रैंक पहुंच गया सोलो। डैम अब यहाँ पे आ चुका फ्लेल भाई, अब उसको पता है अगर वो मेरे को, देखो फ्लेल कैसे यूज़ करते हैं, पहली बात तो देखो आपको है ना डैमेज पड़ने दो, और जैसे जैसे डैमेज पड़ेगा ना उसके बाद फ्लेल ऑन करो, फिर चाटे चाटे दो। जितनी आपकी एचपी कम होगी उतना ज़्यादा खतरनाक होगा। ये देखो अभी मेरी एचपी कम है, ये ख़त्म, देखा जितनी एचपी आपकी कम होगी ना उतना ज़्यादा डैमेज करता है, और जितना ज़्यादा डैमेज करेगा, यानी कि ये देखो इसने मेरा मार, अरे आज ये देखो लोल, उसे पता ही नहीं कि भाई डैम सरप्राइज, मतलब सरप्राइज BIT समझो बाकी आगे का वर्ड, और यहाँ से आराम से खाई। तो अब मैं देखो ये उसको मार सकता है, तो मैं उसके पीछे रहूँगा कि मतलब बीच में रहूँगा कि उसको सिंटरेस को ना लगे, क्योंकि सिंटरेस का फार्म जरूरी है। ओ भाई ये कहाँ से आ गया, ओके अब तो बैंड बच जाएगी, क्योंकि और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आप फ्लेल खेलना चाहते हो तो फुल हील जा सकते हो, सीरीज फुल हील जा सकते हो, क्योंकि ड्रीम हिटर आपको ऐसे स्टन कर सकता है, जो भी आपको स्टन करेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो फुल हील जाना तो अच्छा। अगर आपको फिल और भी ज़्यादा डैमेज जाना तो आप क्या कहते हैं ये आप एक्स अटैक जा सकते हो, बट मैं कहूँगा कि सही में मैं उसको कह रहा हूँ कि यार सेंड्रेस ले लिया, जंगल ले लिया, जंगल खाली पड़ा हुआ है, तो मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा अच्छा फुल हील चले जाओ, फुल हील जाना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप हाथ पैर चला पाओगे उतना अच्छा, क्योंकि आपकी कम एचपी भी ज़्यादा डैमेज होता है सामने वाले को फ्लेल से, है ना, आप ज़्यादा डैमेज कर सकते हो। अगर आप स्टन हो जाओगे तो फिर कैसे कर पाओगे, अगर स्टन नहीं होगे तो चाटे चाटे मार के आप खत्म कर सकते हो। और मैं यहाँ पर जाऊँगा यौन इसलिए आना क्योंकि थोड़ा सा स्टन उनको दे सको, क्योंकि गेंगार और वो सब है तो काफ़ी ज़्यादा स्टन है, इवन एसपी ऑन भी है और सबके साथ। अरे भाई इसके ऊपर जम लेगा, इधर आ तेरी प्यास की, यहाँ अब यहाँ पर मैं मारूंगा चाटे, यार उसके ऊपर क्यों कूद गया वो, इधर इधर इधर, अरे अरे सारे मेरे पे आ गए। इससे अच्छा तो मैं लास्ट हिट शायद उस पर कर सकता था, एप्सोल लगा पड़ा है, मैंने ये एप्सोल को देखा है, ये मेरे मैच में 2 से 3 बार आया,
हाँ ये एब्सोल मेरे मैच में 2 से 3 बार आया, कल रात में भी खेल रहा था मैं। और गोल्ड एमएलएम है ये, परस्यूट भी खेलता है और हमेशा बॉटम पे रहता है, सीरियसली बॉटम पे रहता है। और यहाँ से मैं नीचे से जाके इसको पकड़ने की कोशिश करूँगा। यॉन के साथ है ना बहुत मस्त है, यॉन लाइक लिटरली आप आराम से मार सकते। मैंने बहुत देर पहले खेला था, लाइक निंटेंडो स्विच के टाइम पे खेला था, 2.5 किलो हाथ, क्योंकि भाई उसके बाद तो अब खेल रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत कम ही खेलता हूँ मैं लिटरली, लाइक स्मॉल एक्स तो कम ही खेलता हूँ। हाँ क्या कहते हैं, अगर आप लोग पूछ रहे थे कि हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि आप फ्लेल खेल सकते हो, बट फुल हील के साथ ही खेलना ठीक है। और मैं बाय द वे रैपिड फायर स्कार खेल रहा हूँ और ड्रेन ग्राउंड खेल रहा हूँ, क्योंकि ड्रेन ग्राउंड जब है आपको बेसिक अटैक पे लाइक हीलिंग देता है और जितना ज़्यादा डैमेज होगा तो उतना ज़्यादा होगा। तो ये 2 आइटम हो गए। तीसरी में बड़ी खेल रहा हूँ, बड़ी इसलिए कि अपने साथियों को थोड़ा बहुत सपोर्ट तो करना है, डिफेंडर खेल रहा हूँ, डिफेंडर और वाले काम ना करो तो कैसे। एक तो ऊपर से अटैक चला गया हूं। और यहाँ पे ओके मार दिया उसने एजुमेरिल की आप लोगों की डिमांड थी, एजुमेरिल का भी वीडियो आ जाएगा। और यहाँ पर अरे 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 अब देखो ये मार मेरे को, मार मैं तो कहता हूँ मार। हाँ शाबाश 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 शाबाश। और देखो कितनी जल्दी, बाय द वे इसने यूनाइट चलाई है, चटाखा टपाक गया। यॉन कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो जहाँ तक मेरे हिसाब से यॉन कैसे यूज़ कर सकते हैं, पहली बात तो आप जब फाइट लोगे तो ऑब्वियसली वो आपको रेंज से मार सकते हैं, रेंज वाले पोकेमोन ठीक है काइट कर सकते हैं। तो उसके बाद एक मिनट में नीचे जाऊँगा, उसके बाद क्या कर सकते हो कि आप थोड़ा सा उनको पीछे जाके आती एच पी ओ, फिर उनको यॉन मार और फ्लेयर पर चाटे 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 इधर तुम्हारी जैसे ये देखो ये इधर अब पटाई पट पटाई पट पड़ेगी इनमें। अगर मेरी एचपी कम नहीं है, अगर होती तो बहुत जल्दी मेल्ट होता, ये ध्यान रखना। ओके यहाँ पे वो सेंटर पे आ रहा तो मैं यहाँ रुकूंगा क्योंकि हील करके आएगा और मुझे टॉप पे जाना चाहिए था, बट खैर अगर वो नीचे आ रहा है तो मैंने बोला था ना ये एब्सोल नीचे ही रहता है, मतलब इसकी ज़िंदगी नीचे ही रहती है। क्या नाम था इसका, PGS एक्सप्रिंस, PGS हाँ यही नाम है। ओके अब मैं जा सकता हूँ ऊपर, क्योंकि ऊपर जाके मेरे को, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना सिंड्रेस को जितना हो सके बचा सकूँ। नॉर्मली मैं सिंड्रेस के सामने खड़ा हो रहा हूँ, साथ ही साथ डैमेज भी दे रहा हूँ और मेरे पास बड़ी है, तो मैं क्या कहते हैं जब यूनाइट चलाऊंगा तो बड़ी से हो सकता है। ओके इसमें पड़ गया और यहाँ पे ये मारो, अरे भाई भाई चल तेरी आ जा उछलेगा। ओके ये लगता है वो गायब हो चुका है, कब निकलेगा कब निकलेगा, ये निकला ओके उसने तो मेल्टी कर दिया। अरे टायरानिटा रहता उसको वो कर देता हूँ मैं, क्योंकि अगर अब मेरे पास एच पी कम है, अब मैं इसे फाइट ले सकता हूँ, इसको अच्छा खासा डैमेज कर सकता हूँ, अनलेस एंटिल मेरे पास स्टन ना पड़े, क्योंकि उसका स्टन है। ओके स्टन पड़ गया और उसने यूनाइट चला दी, डैम यही चीज़ का डर था। तो फुली लाभ इसीलिए यूज़ करो, एस पी एन को स्टन पड़ा साथ में उसका भी स्टन पड़ा, तो गैस अगर आप यूज़ करोगे भाई पीछे भाग जाए क्यों वापस आके तुम। अरे यार पता है इसको सिजोर को निकल जाना चाहिए था, और कमॉन सिंड्रेस यू कैन डू इट, कमॉन कमॉन को मिल गया मिल गया। किसने लिया लास्ट इट, सिंड्रेस ने लिया, शाबाश सिंड्रेस लॉर्ड सतोशी क्या नाम है। अरे इधर कैसे मारेगा, कैसे बचा लिया, देखा सतोशी भाई साहब ने तो रोटम दिलाया था बढ़िया है। अब यहाँ से तू जाएगा, अरे हत्या आ गया, आ जा आ जा। देखो अभी मैंने फ्लेल ऑन करके जैसे मुझे मारता जाएगा, अब ये काइट कर सकता मैं पीछे खड़ा हो गया, आजा आजा आएगा आएगा आएगा, नहीं आया, अगर आ जाता तो मज़ा ही आता है, बल्ले बल्ले हो जाती गैस। ओके यहाँ पे हील करते हैं आराम से, मारते हैं इनको और बिंदास अगर कोई आता है, देखो चाटापट फटाफट फ्लेल खेलो गैस, फ्लेल वापस आ चुका है ड्रेन ग्राउंड और इसके साथ। पर अगर आप लाइक लिटरली आपके सामने ज़्यादा खतरनाक बंदे हैं, आपको लगता है कि आपको बंदे को बचाना है या वो सब, तो डिफेंडर खेलना प्लीज़, शील्ड और स्लैम खेलना। अभी तो मैं जस्ट वीडियो बनाने खेल रहा हूँ, वीडियो बनाते बनाते ओके किसी को पड़ेगी, आएगा इधर इधर, अरे पिछली बार तुम यूनाइट चलाते ना इधर 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 बनाओ तेरे को टायरेंटर, बाय द वे टायरेंटर से 1v1 करने के चांसेस हैं इसके, अनलेस एंड अनटिल आप स्टन ना हो, अगर आप स्टन हो गए ना तो मैं बता रहा हूँ आप जाओगे ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दोस्त है इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे हो गया और वो सीधा ही कूद गया ठीक है भाई, अच्छी बात है। अरे इधर देखो मेरी एचपी कितने का, ओए ओ भाई एक हिट में गया, अभी देखो एचपी देखना, मेरी हेल्थ देखना, हेल्थ देखना कितनी जल्दी आ गई, देख रहा हूँ अभी 2 हिट मारे बस मैंने, अगर यॉन ना मारा तो 3 हिट लगते पूरा हिलता मैं, देख रहा कितनी जल्दी हील कर रहा कितनी जल्दी। ड्रेन ग्राउंड फ्लेल पे काम करें, मतलब जो भी ज़्यादा डैमेज करता है ना ड्रेन ग्राउंड उस पर ज़्यादा काम करेगा, बेसिक अटैक पर ध्यान रखना, बेसिक अटैक पर ठीक है, बेसिक अटैक पे जितना ज़्यादा आपका डैमेज होगा फिजिकल अटैक तो ड्रेन ग्राउंड। और यहाँ पे मैं विजन इसलिए दे रहा हूँ कि अगर कोई आता है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन नीचे का कोई छोड़ के चला गया और वो जंगल चला गया और सिंड्रेस भी जंगल है, डैम मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जिस चीज़ का डर था वही लग गया और लगता है कि 28 डाली जाएंगे। अरे यार यौन का एनिमेशन काफ़ी वो है, अगर इसने मेरे से फाइट ली तो आ जाओ, मैं तो कहता हूँ ले लो फाइट, पता चल जाएगा कि कैसे मार सकते हैं। ओके यहाँ पे ऊपर छुपाएंगे, ओके लैग हो गया शाबाश, अरे आ जाओ जाओ गैस, देखो एच पी का अब देखना है कि पटाक भाई कितनी जल्दी मेल्ट हुए भाई भाई भाई, उसको यूनाइट चलानी पड़ गई इतनी जल्दी मेल्ट, अरे इधर आ गए। और यहाँ पर अगर बैठा है तो भाई दोनों की एच पी एकदम में मेल्ट हुई दोनों, और मैं हील हुआ उसी टाइम। ओके यहाँ पे ग्रेनिंजा, ग्रेनिंजा किधर गया, नीचे भाग गया क्या, अच्छा ऊपर चला गया, और यहाँ पर और कोई तो नहीं बैठा हुआ, पता चले पीछे से निकल के आ गया अंधेरे में। ओके उसने यूनाइट चला दी है, लगता है बंदे जाने वाले, और मैं यहाँ पर बड़ी चलाऊंगा, अरे हमारा सेंटर चला गया डैम, ओके मेरे को यूनाइट चलानी पड़ेगी, स्टन पड़ गया उसको और गया भाई परस्यूट, तो पीट पीट तो फाड़ ही देगा एकदम, कच्चा फाड़ जाता है एब्सोल क्या कहते हैं परस्यूट वाला,
ओके इसको पकड़ूंगा मैं। अरे इधर आ जा भाई, देख रहा हूँ भाई इसके तो बैंडी बजा रखी है मैंने, ये तो कह रहा है भाई मेरे पीछे क्यों। ओके सबको डैमेज पड़ रहा है, सबको पड़ रहा है, सबको पड़ रहा है। प्लीज़ प्लीज़ निकाल दियो, प्लीज़ निकाल दियो। ओके निकल गया, निकल गया। चार बंदे डाउन और उसने 100 गोल्ड डाल दिए। ओके उसने पीछे से हाथ साफ कर लिया, क्या कहते हैं इनके मैचम ने। कोई नहीं मैचम तेरे पे हाथ साफ करूंगा, अगर मौका मिले तो ऐसा हाथ साफ करा जाएगा, मज़ा आ जाएगा। और गाइस जब भी हील करो ना, पहली बात तो अगर कोई सेंटर ले नहीं रहा, अगर उसे नहीं ले रहा तो प्लीज़ उस पे खड़ा हो पैडल पे। अभी देखो वो जाके कूद गया सेंटर पे, पता नहीं क्यों अकेला कूदा ही क्यों तू सेंटर पे। लाइक लिटरली रुक जा, सारी टीम के साथ आएंगे, है ना। कभी भी ये गलतियाँ मत करा करो, ठीक है। मार लिया तूने, ये जरा चाटे खा, ये तेरी भैंस किया कान के नीचे थी उल्टा घुमा के। कभी भी जब आप अकेले हो, आपकी टीम नहीं हो, तो आप सेंटर जाके मरने ही वाले हो ना। रेकुजा के पास तो जाके मरोगे, तो इससे अच्छा पैडल पे खड़े हो, कम से कम गोल तो डिफेंड कर सकते हो। ओके भाई यहाँ पे इसको वो करा हील, आ जा भाई ये। अरे वो उसको तो खौफ है भाई, एकदम खौफ हो रखा है। अरे इधर आ, तेरे पे भी खौफ कर देता हूँ, ये ले भाई गया। डैम ओके, ओ भाई मेल्ट कर रहे हैं। ओके मिल गया उसे। अरे इधर आ, अरे चाटा मेरे से पंगे ले रहा था, इधर आ तेरी पैंच। ओ किसो को पड़ा सीधा मुंह पे, टायर तो बोल रहा था पता हेल क्या हो गया अचानक से। बहुत डैमेज करता है गाइस, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है भाई। अब नीचे डाल देगा वो। ओके अरे नहीं डाला गया, हेलो। ओके अच्छा गैंगर ने शील्ड तोड़ दी होगी भाई, रुक जा अभी गोल्ड डाले दे। देखो गैस अब इसको जॉन करूँगा, अब गोल्ड डालता हूँ, अभी बताता हूँ तेरे को मैच में। बड़ा बन रहा था ना, इधर आ तेरी ये खाद चाटे तेरी भैंस की आँख। हाँ कैसे बोल रहा, फालतू बोलेगा गैस। अभी दिखाता हूँ, ले तेरी फालतू बोलेगा तेरी भैंस की। टाइम सबसे बाद लोल वन वर्सेस वन में बैंड बजा दी। अब देखते हैं भाई कितना गैस। फ्लेल तभी खेलना जस्ट लाइक, मतलब अगर आपको खेलने के मजे लेना, वैसे मत खेलना, ठीक है। ओ MVP बन गया भाई, 60,000 और डैमेज सबसे ज़्यादा किसने दिया, सिर्फ एक गेंगा ने दिया भाई सबसे ज़्यादा। इवन अपने गोल्ड एम्बलम से भी ज़्यादा, वो ग्रीन वाले से भी ज़्यादा, और अपने सेंटर से भी। खैर सेंटर पे तो काफ़ी प्रेशर था, टॉप से प्रेशर था, क्योंकि सामने वो गेंगा वो सवार थे। तो खैर कोई नहीं, उसने अच्छा खेला जी बॉय। और ये तो न्यू प्लेयर था, चलो खैर कोई नहीं। और ये भाई साहब ने प्राइवेट करके, एंड ये भी ठीक है। ओ ड्यू खेल रहा था, ये ड्यू किसके साथ खेल रहा था, इसके साथ खेल रहा था क्या। ओके तो दोनों ऑलराउंडर खेल रहे थे। डैम गाइस देख सकते हो फ्लेल इज बैक। आप लाइक लिटरली मेरे देख सकते हो, हीलिंग भी 31 करी है, 77 का डैमेज भी खाया और 68 का डैमेज भी दिया है, एब्सोल्युटली ज़्यादा। तो गाइस देखते हैं। और ये इश्मित भाई, ओ भाई 9,000 समथिंग भाई, अच्छा 36 मैच, ओ ये भी TU खेल रहा था। डैम और ये जिसको हमने पेला था नीचे अभी जस्ट भाई। तो गाइस इसी के साथ सभी से आगे लेता हूं गाइस, जिन्होंने लाइक नहीं लाइक कर दें चैनल पर नए सब्सक्राइब लेना गाइस। ऑडियो स्टेक एंड पीस आउट।